हेलो बच्चों, वेलकम। आज आपका 14 चैप्टर में दूसरा डेरिवेशन, तीसरा डेरिवेशन चलेगा विभिन्न माध्यमों में उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया है, इसका वर्तनांक N2 है, इसके P1 सरफेस है, P2 सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसका C2 है और ये हमारी प्रिंसिपल अक्ष मुख्य अक्ष है। इस पर वस्तु O रखी है, वस्तु दो किरणें आती, एक एक किरणें इससे अपवर्तन के पश्चात हमारी P1 सरफेस से I- प्रतिबिंब बनता है और इससे जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा I- बनेगा और यह फाइनल P2 के द्वारा हमारा I प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये इसके डायग्राम को इसे तैयार किया। माना उत्तल लेंस का वर्तनांक N2 है और लेंस के बाईं ओर N1 तथा दाईं ओर N2 वर्तनांक हैं, तो लेंस के प्रथम और द्वितीय जो पृष्ठ हैं वो P1 P2 हैं और केंद्र C1 C2 हैं, तो वक्ता त्रिज्याएं R1 R2 हैं। तो हमने क्या लिखा है, माना एक उत्तल लेंस है, उसका वर्तनांक N2 है, उसके बाईं और दाईं ओर अवर्तनांक N3 और N1 है, लेंस के प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ P1 P2 हैं और उसके वक्ता केंद्र C1 C2 हैं और इसमें वक्ता त्रिज्याएं R1, जो हमने चित्र में हमने वो लिख दिया। अब इसके हम देखेंगे, माना बिंदु वस्तु ओ लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है, तो आपतित किरण OA और OP1 तथा अपवर्तित किरणें AB और P1 C1 के पीछे बढ़ाने पर आभासी प्रतिबिंब I- बनता है, तो उनके लिए प्रथम पृष्ठ के लिए N2/V'(N1)U=N2-N1/R1 हो गया हमारा है। अब दूसरे पृष्ठ P2 सरफेस के लिए, करेंगे N3/V और N2/V1(V'(N3-N2)R2, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी और दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारी कैंसिल हो जाएंगे या ये बचेंगे, ये हमने यहाँ लिख दी। अब इसमें से ये तो एज इट ही लिखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख देंगे, तो हमारा ये डेरिवेशन आ गया, बहुत सिंपल हुआ। अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं, यदि माध्यम समान हो तो N2 और N3 को हम एक कर दें, दोनों को इक्वल कर दें, तो N2 और N1 का मान हम N रख देंगे बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी कंडीशन है N1/U N1/V N1/U=N2-N1/R or N2-N1/R2, इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन लेके N1 से भाग कर दिया हमने, इसमें N1 कॉमन लिया, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, N1 इसके नीचे आए, 1/V 1/U N2/N1-1 1/R1 1/R2 हो गया, 1/R2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको N मान लेंगे, तो 1/F=N-1 1/R1-1/R2, इस तरीके से हमारे डेरिवेशन पूर्वा, इसे अच्छी तरह याद करना है, एग्जाम में आ सकते। हेलो स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, हमारी लेंस की प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी में क्या संबंध है। पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, हम जानते हैं N3/V N1/U=N2-N1/R1-N2-N3/R2, ये हमारी फॉर्मूला है जो हमने प्रूव करा था, उसका फॉर्म लिख दिया। अब हम प्रथम फोकस की परिभाषा से लिखेंगे, U की वैल्यू F1 और V=∞। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारी इस कंडीशन ये आ जाएगी, ये तो हमारी जीरो हो गई, तो ये अपॉन ये को हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब हम इसी तरह से द्वितीय फोकस लेंगे, द्वितीय फोकस के लिए U=∞ V=F2, तो हम ये वैल्यू फिर पहली कंडीशन में रखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है, फिर उसमें रखा N3/F2 N1/∞ वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी जो तो आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी जो कि तो लिख दी हमने, ये इक्वेशन 2 मान ली। अब इक्वेशन 1 और 2 की हम देखें, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर हैं, तो दोनों को हम बराबर कर दिया, N3/F2 और -N1/F1 दोनों इक्वल हो गई। अब हम N1 N3 को एक तरफ कर लेंगे, F1 F2 को एक तरफ कर लेंगे, तो हमने इनको एक तरफ कर लिया है, तो हमारा F1/F2=-N1/N2 ये हमारा प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव। इसका मतलब क्या होता है, F1/F2 N1/N2 क्या मतलब होता है, इसका मायने होता है कि जो हमारा ये अवर्तनांक है पहला माध्यम और दूसरे माध्यम के, तो जो अवर्तनांक हैं उनके बारे में, यदि दोनों माध्यम समान हैं, N1 बराबर N3 बराबर N1 है,
तो उसकी फोकल लेंथ एफ वन अपॉन एफ टू माइनस वन अर्थात एफ वन बराबर एफ टू के बराबर होगी। ये हमें इसे तैयार करना है। अब देखिए आपको होमवर्क में बताना है, होमवर्क में इसका जो है लर्न इट, इसे आपको याद करना है। पहला काम तो ये हो गया, फिर कंप्लीट वर्क, अपनी कॉपी को कंप्लीट करें, ठीक है, कंप्लीट वर्क करें और उसके बाद आपको साइन कराने हैं। इसे याद करके लाएं, साइन करें, और ये मैंने आपको काफ़ी करा दिया है और इसे आप, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से इसे आप तैयार कर लेंगे और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसे करा दिया। ओके, इसे आप तैयार करें।